हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ कटहल की रेसिपी, जो बनाना घर पे बहुत ही आसान है। तो ये रेसिपी आज मैं चूल्हे पे बनाने वाली हूँ। तो चलो पहले हम कटहल को कट कर लेते हैं। इसको कट करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक ट्रेडिशनल नाइफ, यानी इसको आप बंगाली पे यहाँ पे बोटी बोलते हैं। तो अब इस बोटी या फिर ट्रेडिशनल नाइफ से हमको हमारे जो कटहल है इसको हम पहले कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक, आप चाहे तो न्यूज़पेपर इसके नीचे रख सकते हो। हमने यहाँ पे, हमारे पास पॉलीथीन अवेलेबल था इसलिए मैंने पॉलीथीन रख दिया है। तो चलो इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। अच्छे से इसके भीतर के जो ये एक पार्ट है इसको अच्छे से निकाल देना है। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा नींबू घिस दिया। अब नींबू घिसने से क्या होता है, इसके अंदर के जो जितने सारे आटा होता है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुका है। अब इसको हम छोटे छोटे, देखिए इसी तरीके से हमको इसको अच्छे से, इसी तरीके से इसको हमको अच्छे से कट कर लेना है पीसेस में। देखिए इसी तरीके से हमको यहाँ पे लेमन घिसते जाना है ताकि कोई भी इसका जो आटा है ये को हमारे जो ये ट्रेडिशनल नाइफ है इसमें और मेरे हाथों में बिल्कुल ना चिपके। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सारा जो, देखिए किस तरीके से यहाँ पे लेमन पे इसके सारा आटा निकल रहा है। इसी तरीके से हमको अच्छे से कट कर लेना है। लेमन घिस देने से सारा जो आटा है वो इजीली निकल रहा है और कट करने के समय कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हाथों में कहीं भी ये चिपक नहीं रहा है। इसी तरीके से सारा जो एचोड़, इसको बंगाली में एचोड़ बोलते हैं, इसे इसको अच्छे से कट कर लेना है। बहुत लोगों को परेशानी होता था ये जो हमारा कटहल है, कटहल को कट करने में, बट मैंने ये आसान तरीका आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कटहल काटने में कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। और कटहल को काटने के बाद पानी में डालना है ताकि इसके अंदर की सारा आटा जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए पानी की मदद से। देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे और कुछ सब्जियाँ ले लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कैरेट लिया है। कैरेट को अच्छे से पील कर लेंगे। और थोड़ा ग्रीन पीस को हमने यहाँ पे पील करके रखा है। अब इस कैरेट को भी अच्छे से टुकड़े में कट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे कैरेट को भी कट कर लिया है और हरा मिर्च को भी हम कट कर लेंगे। आप जरूर घर पे ये रेसिपी बनाएं एक बार। देखिए हमने यहाँ पे एक आलू ले लिया। आलू को भी अच्छे से पील कर लेने के बाद इसको हम कट कर लेंगे, एक बड़े साइज के आलू और एक मीडियम साइज के आलू हमने यहाँ पे लिया। टोटल दो आलू हमने यहाँ पे लिया। तो इसी तरीके से सारे आलू को हम कट करके टुकड़े में कट कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे आलू को सारा कट कर लिया है और ग्रीन पीस भी है, यहाँ पे कैरेट है और आलू है। तो चलो ये हमने एक छोटा सा टमाटर ले लिया।
तो अब हमारा जो कटहल है इसको हम दिखाते हैं, देख सकते हो फ्रेंड इसके कितना ज़्यादा इसके अंदर से पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। अब हमारा कटहल बिल्कुल फ्रेश होने लगा है। इसी तरीके से सारा सब्जी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। बिल्कुल विलेज स्टाइल में ये हम पकाएंगे। देखिए ये हमारा सब्जी बिल्कुल वॉश हो चुका है। अब हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया हमारा जो कटहल और आलू को, कटे हुए कटहल और आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक और पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में हम इसको हम एक प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक इसको हम कुक करेंगे। 2 सीटी लग जाने के बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे 2 सीटी के बाद। अब इसके जो अंदर से जो पानी निकलेगा, ये जो पानी है ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक हिसाब में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, इसको हम नहीं फेंकेंगे। तो चलो अब हम एक चूल्हे में एक कढ़ाई बिठाए हैं, इसमें हमने यहाँ पे तेल ऐड किया। अब देख सकते हो ये हमारा स्टॉक भी इसके नीचे निकल चुका है। अब इस कटहल और आलू को अच्छे से थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर के जो पानी है स्टॉक वेजिटेबल्स निकला है उसको हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से देख सकते हो ये मैंने एक चूल्हे में खाना बना रही हूँ, कटहल की सब्जी बना रही हूँ। इसी तरीके से सारा कटहल और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हमको सारा आलू और हमारा जो कटहल ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा फिर से तेल ऐड करेंगे। अब इसमें हम हमारा जो कैरेट है कटे हुए कैरेट इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। तब देख सकते हो यहाँ पे नमक दे देंगे स्वाद अनुसार। तो इसी तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे। इस्तेमाल किया, अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे कैरेट को भी हम अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ से इस कढ़ाई से। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए प्याज ले लिया और अदरक लहसुन के पेस्ट ले लिया। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज के स्लाइसेस। कटे हुए प्याज के स्लाइसेस को हम अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक।
नमक ऐड करने की वजह यही है कि प्याज हमारा जल्दी सॉटे होने लगेगा। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला रेसिपी है जो मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। तो चलो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से दो साइड में डिवाइड कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा तेल निकल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 स्पाइस यानी 5 फ़ोरन। उसको भी हम इसमें ऐड करते हुए सारे प्याज के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च के पाउडर। हमने कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा वेजिटेबल स्टॉक और ग्रीन पीस, हरा मिर्च। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमारा ये ग्रेवी बन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक फिर से इस्तेमाल किया। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा ग्रेवी तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, कटे हुए टमाटर को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हो ये हमारा सब्जी अभी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमको थोड़ा कैरेट ऐड करना है क्योंकि कैरेट को हमने ज़्यादा बॉयल नहीं किया, जस्ट हल्के हाथ में इसको फ्राई किया है, इसलिए पहले हम कैरेट ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आलू और कटहल की सब्जी जिसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर में उभर के आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। इसी तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे, सारे मसालों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो ये हमारा सब्जी बहुत ही अच्छा कलर में आ चुका है। इसी तरीके से थोड़ा कुछ वक्त तक इसी तरीके से हमको इसको चलाते जाना है। देख सकते हो ये हमारा सब्जी, इसके अंदर थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक और हम ऐड करेंगे जिसमें हमने मसाला रखा था। उसी जगह को खंगाल के हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक और ऐड किया और अच्छे से इसको हम मिलाएंगे। जितने सारे जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक निकला था वो सारा हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया।
या अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये है हमारा गरम मसाला, घर पे बनाया हुआ गरम मसाला की पाउडर है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको भी हम चलाते हुए पूरे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा जो सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अगर फ्रेंड आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम इसमें हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे धनिया के पत्ते। ये जो धनिया के पत्ते हैं ये भी हमारे घर पे उगाए हुए हैं। तो चलो इसी तरीके से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पूरा फ्लेवर धनिया के पत्ते के जो है वो आना चाहिए हमारे सब्जी में। अब हम क्या करना है, एंड में थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे। हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे घी, देसी घी। और ये जो देसी घी की रेसिपी है ये भी मैं पहले मेरे चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटहल की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दूसरे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आपको अगर हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड अब इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, घर पे बना के ज़रूर खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।